इस गांव को तो आप जानते ही होंगे, लाहौली, तंबाकू की डिब्बी जितना छोटा सा गांव। इस गांव के लोग गरीबी का मंजन घिस घिस के सारी उम्मीदें हार चुके थे कि अचानक एक दिन ऊपर वाले ने उनकी सुन ली। एक लॉटरी ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरे गांव में धमाल मचा दिया, सारे गांव को ऐसा मालामाल कर दिया कि इस तंबाकू की डिब्बी से खुशियों की महक आज भी आ रही है। लेकिन इस गांव से 16 गांव दूर बरसों बाद लॉटरी ने एक और कमाल किया। उस गांव का नाम है बिजनौर। यहां रहते थे दो गहरे दोस्त, एक डेविड दूसरा पीटर। दोनों हर चीज बांट के जीते थे सिवाय एक, मैरी, पीटर का प्यार। दोनों थे तो किसान, पर धनवान बनने के लिए रोज लॉटरी खरीदते थे आधा आधा पैसा डालकर। और एक दिन लॉटरी लगी कि पीटर की नियत बदली, पीटर ने किया डेविड से धोखा। तो ऊपर वाले ने दिया पीटर को झटका, पीटर ने कर दिया अपनी ही नौकरानी को प्रेग्नेंट, तो मैरी ने गुस्से में कर लिया डेविड को परमानेंट। जिसने जैसा बोया उसने वैसा पाया। अब देखिए ऊपर वाले ने इस कहानी में आगे क्या खेल रचाया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज घंटी देर से बजाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मरिया वो चर्च की घंटी है जो पूरे गांव के लिए ईश्वर का आदेश है, कोई साइकिल की घंटी नहीं है। स्वयं बजाओ, स्वयं सुनो। उठो जॉनी। भैया उठो भैया, देखो सूरज सर पे चढ़ाया है। सूरज इसके सर पर भी गिर जाएगा तो भी नहीं उठेगा, शेर समझ कर पैदा किया था, निकला बकरी। बकरी कौन बोला रे? लो पूरा गांव इसे बकरी कहता है, बाप ने कह दिया तो मिर्ची लग गई। ये देखो जवाब दे सकता है पर उठ नहीं सकता। चल उठ जॉनी। 25 साल का सांड हो गया, बड़ी बहन घर पर कुंवारी बैठी है, बाप इस उम्र में काम कर रहा है, लेकिन ये घोड़े बेचकर सोया हुआ है। चलो मैं चलता हूँ। एक बड़ी टॉर्च खरीद लो ना, इस धुंध में ये छोटी टॉर्च लेकर जाओगे तो लोग सोचेंगे कि मोमबत्ती लेकर कोई भूत घूम रहा है। अपने मायके पत्र लिख दो, बड़ी टॉर्च भिजवा देंगे। उस सूखे कुएं के पास से संभल के जाना। हर रोज एक ही बात बोल बोल के पका मत, काम खत्म कर ले अपना। डेविड, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम चर्च की बैल बजाते हो तो उसका आधा ध्यान भी अपनी तबीयत पर दोगे तो अच्छी तरह बैल बजा पाओगे। लाओ ये चाबी मुझे दो, कुछ दिनों की छुट्टी लो और घर पे आराम करो, और अपने बेटे जॉनी को बोलो कि ये काम संभाल ले। वो कान में हवा नहीं जाने देता, मेरी बात कहाँ से जाने देगा। अरे सब बातें भूल जाओ, रात गई बात गई। रात गई नहीं फादर, गहरा गई है। ये तो हमारे यीशु की कृपा है कि वो नदी के किनारे हमें सस्ती जमीन मिल गई, सर पर छत पड़ गई, नहीं तो पता नहीं कहाँ भटकते फिरते। जहाँ तक मैं जानता हूँ जॉनी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो बेचारा जो कुछ भी करता है दूसरों की भलाई का सोच के करता है। आप उसे नहीं जानते फादर, उसकी तरफदारी मत कीजिए, उसने आपको भी अपने रंग में रंग लिया है। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। बस बस रास्ता खत्म, खेल भी खत्म। हाँ चलो चलो चलो। अबे रुक यार, हम खेलने नहीं, तेरी हड्डी मछली तोड़ने आए हैं। क्यों 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 क्यों? दिन रात गधों की तरह मेहनत करके हमने जो पैसा कमाया वो तो तू खा गया। पैसे मैंने नहीं खाए। देखो तुम लोग इतनी छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी करते हो, मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं। लॉटरी खरीदवा के मैं तुम्हें करोड़पति बनाना चाहता था ताकि तुम लोग पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो। अब लॉटरी नहीं लगी तो मेरी क्या गलती है? लॉटरी लगती है कैसे? तूने हमें पिछले साल का टिकट जो बेचा। अरे मैंने नहीं, वो तो दुकानदार ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो सब हमें नहीं पता, चल हमारा पैसा निकाल वरना आज तुझे मार मार के पैसे वसूल करेंगे। एक मिनट, बात तो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, अरे सच में मेरे पास पैसा नहीं है भाई। रुको, मैं सच कह रहा हूँ।
करते हो जॉनी, बड़े तो बड़े बच्चे भी तुम्हें पीटने लगे, इसलिए पूरा गांव तुम्हें डरपोक बकरी कहता है। ए, चुप कर, मैं डरपोक नहीं हुआ। याद है ना गांधी जी ने क्या कहा था? क्या? कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर लेना चाहिए। उन्होंने वो कहा और वो बन गए महात्मा। मैंने किया तुम्हें बकरी, ये क्या बात हुई यार? लेकिन अन्याय सहन करना भी तो पाप है ना जॉनी, थोड़ी तो हिम्मत दिखा, थोड़े तो मर्द बनो। कहने मारिया, हिम्मत अगर ऐसे बाजार में मिलती ना तो मैं होलसेल में ले लेता। मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुमने बाबा बहादुर का नाम सुना है, हिम्मतपुर वाले? कौन? अरे एक बार जिसने बाबा बहादुर का धागा बांधा वो फिर कभी ना भागा। चलो मैं तुम उनके पास ले चलती हूँ। तू पागल है? अगर तेरे भाइयों ने हमें गलती से देख लिया है ना तो मार मार के मेरा कचुम्बर बना देंगे, और ये सब साले गाँव वाले यहाँ ये मजे ले लेके तमाशा देखेंगे। तू एक काम कर, तू जा धागा लेके और मुझे बांध दे। तू मत बांध, तू मुझे दे, मैं बांध लूंगा। अरे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बाबा की कुटिया तो नदी के उस पार है। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ये देख, आज का मेरा मार खाने का कोटा पूरा हो गया। 7 साल पहले हमारे इस चर्च में से 22 कैरेट सोने का क्रॉस चोरी हो गया, और सारी जिम्मेदारी पुलिस पे डाल के तुम सब गाँव वाले चद्दर उड़ के सोते रहे, और सबको सोता देख कर पुलिस भी खर्राटे लेने लगी। फिर कमिटी जागी और उससे तय किया कि नया गोल्ड क्रॉस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब भैया नया गोल्ड क्रॉस बनाओगे तो पैसे तो लगेंगे ना, लगेंगे ना। तो मैंने कहा कि चर्च का जमीन मैं खरीद लेता हूँ, पैसे भी मिल जाएंगे, गोल्ड क्रॉस भी बन। ओ फादर, ओ फादर, क्या ढूंढ रहे हो अंदर? गोल्ड क्रॉस अंदर रखा हुआ है। पे अटेंशन प्लीज, मैं कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पे, ओके? पे अटेंशन। तो जमीन बेचने के लिए सब राजी हो गए, लेकिन ये फादर है उन्होंने मना कर दिया, टांग अड़ा दी अपनी। पीटर सर, फादर ने ना कहा क्योंकि आपको चर्च की पूरी जमीन सस्ते में हड़प जानी थी। जब दो बड़े आदमी बात करते हो तब मोटो को बीच में नहीं बोलना चाहिए, भाग जाओ। तो फादर ने नया क्रॉस बनवाने के लिए बड़ा बड़ा सुपरलेटिव आइडिया निकाला। सारे गांव वालों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर भी सारे पैसे पड़ गए कम। तो ये घंटा प्रसाद का बेटा बकरी जॉनी, बकरी जॉनी ने फादर से भी बड़ा भेजाबाज आइडिया निकाला। फादर से कहा कि फादर फादर इस सारे पैसे हम चिटफंड में लगा देते, एक के दो जाएंगे, दो के चार, चार के आठ। और फादर उछल उछल के नाचने लगे। आप सब लोगों के पैसे फादर ने चिटफंड में लगा दिए, फिर चिटफंड गायब, पैसे खराब, खेल खत्म। फादर को पढ़े की लगता है पढ़ने वाली, मेरा जीजा बड़ा कमीना है। देखा, ये सुना भाई आप लोगों ने, फादर ने हाथ ऊपर उठा लिए। देखो भाई, हम कुछ नहीं जानते, आप हमारे पैसे देंगे या तो ये बकरी जॉनी का बाप घंटा प्रसाद हमारे पैसे देगा, बात खत्म। ये क्या कह रहे हो, इसमें मैं कहां से आ गया? मैं मानता हूं कि जॉनी से भूल हुई है, लेकिन चिटफंड में तो सबके पैसे गए हुए हैं, मेरे अपने पैसे गए हुए हैं। अरे गए हैं कि अंदर किए, किसको पता है? किसको पता? अब जो आदमी नहाते नहाते पेशाब करेगा उसको कैसे पकड़ोगे आप? अरे पैसे अंदर किए होते तो नदिया किनारे बेचारे झोपड़ा बांध के नहीं रहते। अपनी जाति दुश्मनी का खुन्नस निकालने के लिए चर्च का इस्तेमाल मत करो। मिस्टर पीटर, डेविड और जॉनी अच्छे लोग, गरीब हैं। फादर, आपको इसको सपोर्ट करने तो करो, हम लोग इसके बेटे जॉनी को नहीं छोड़ने वाले। साला हमारी बहन के पीछे दुम लेते हुए घूमता है। ए, अपनी बकरी को बांध के रख, नहीं तो उसकी दम बिरयानी बना के पूरे गाँव को खिला दूंगा। अरे देखो देखो भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब से गोल्डन क्रॉस चोरी हुआ है तब से मानो उस गाँव पर बदकिस्मती के बादल छा गए हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पुरानी दुश्मनी पर मिट्टी डालो और सब लोग मिलकर गांव की भलाई के बारे में सोचो। अरे बाप रे, माँ तू सामान ले, मैं अभी आता हूँ। वाह, फर्स्ट क्लास बनाया है, आदमी को मरने का मजा आ जाए। अरे पिंटू, क्या हुआ, खबर पड़ी क्या? 5 साल में ऐसा टीका आने वाला है कि किसी को दिल का दौरा पड़ेगा ही नहीं। अरे सत्यानाश जाए दवाई की कंपनियों का, है चौपट कर देंगे मेरा धंधा। कितनी मेहनत से बनाता हूँ एक एक ताबूत। ओ आ गए भाई, मेरी रोजी रोटी, मेरे अन्नदाता, मेरे भगवान। अरे भाई एक ठंडा पानी का बॉटल देना। एक पानी का बॉटल दे, निकालो 10 रुपया। नहीं नहीं नहीं, मेरे खाते में लिख देना। लेकिन क्यों?
आप इतने मरीजों को खून चढ़ा सकते हैं तो मैं क्या आपको एक बाल्टी पानी नहीं चढ़ा सकता? क्या मेरा मतलब है, पिला नहीं सकता? ओह अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। लगता है मैंने आपके किसी रिश्तेदार की जान बचाई। ये क्या बोल गए आप डॉक्टर साहब, मेरा तो छोटा सा धंधा है और वो आपके इस गांव में आने के बाद ही चला है, तरक्की हुई है। ओ ऐसे, ये लो साहब, थैंक्स। यानी आपकी कोई दवाई की दुकान है? कहाँ है वो दुकान? मैं कॉफिन बनाता हूँ। व्हाट? आदमी गुजर जाए उसके लिए एकदम कंफर्टेबल ताबूत बनाता हूँ, ताबूत की दुकान है छोटी सी। आप ही की वजह से मेरा धंधा चला है डॉक्टर साहब। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 हफ्ते से आपने एक भी ऑपरेशन नहीं किया। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हफ्ते में 2-3 ऑपरेशन तो करिए, घर चल जाएगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको दुआ देंगे डॉक्टर साहब। शट अप। क्या भैया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ गाँव गए? पिछले 8 महीने से मेरा किराया बाकी है। चलो निकालो मेरे पैसे। चल चल कल आना। 8 महीने से तेरा कल कल सुन रही हूँ, आज तो मेरी दुकान का किराया लेकर ही जाऊंगी। अरे बोला ना कल आना, अभी कड़की चल रही है। जब भी तुझसे किराया मांगती हूँ तेरी कड़की आ जाती है। अब तेरा ये नाटक नहीं चलेगा, किराया दे, कड़की मेरी भी चल रही है। अरे तूने अपनी कड़की को खुद ही न्योता दिया है। उस डेविड के गले की घंटी ना बनकर पीटर के गले का हार बनती, खुद भी हर्ष करती और हमारा पीछा भी छोड़ती। चल जा। मेरी फिक्र छोड़, तू अपने काम से काम रह, किराया दे या दुकान की चाबी। अरे ऐसे कैसे दे दूं चाबी, हलवा है क्या? बड़ी शेरनी बनकर आई है रॉब झाड़ने, एक जान नहीं देता किराया, जा जो करना है कर ले। क्या हुआ माँ? ये देखो भाइयों, ये शेरनी मुझे डराने के लिए अपने साथ बकरी को भी लेके आई है। अभी बकरी मुझे अपने सिंह से उठा कर दुकान से बाहर फेंक देगी। अरे भाई मैं तो डर गया। ए गोपाल, मजाक मत उड़ाओ मेरे बेटे का। 31 तारीख तक का समय देती हूँ, किराया और चाबी दोनों मेरे पास आ जानी चाहिए, नहीं तो तेरे गाल और मेरा हाथ। मारिया डार्लिंग, तेरी जवानी ढल गई रे। जवानी में तेरे हाथ मेरे गाल को छूते तो सब कुछ तेरे नाम कर देता, इस उम्र में तो मुश्किल है। छोड़ मुझे। माँ छोड़। माँ अरे छोड़ो, छोड़ो ना भैया, अरे छोड़ो ना, नहीं मारेगी, खाली हुल दे रही है। छोड़ो ना भैया, छोड़ो छोड़ो ना भैया, छोड़। माँ चलो घर चलते, चलो ना माँ। अरे माँ क्या कर रही थी तू? तू तो बोल के निकल जाएगी लेकिन उसके बाद तो मुझे ही पकड़ेगा ना, मुझे इसी रास्ते से रोज आना जाना है, रास्ते में लिटा लिटा के मारेगा मुझे। तू बकरी की तरह मैं करता रहेगा तो वो तुझे मारेगा नहीं तो क्या सर पे बिठा के घूमेगा? माँ मैं डरपोक नहीं हूँ, अहिंसावादी। मैं भी अगर हिंसा पे उतर आया तो मुझ में और एक आतंकवादी में क्या फर्क रह जाएगा? अन्याय को सहना भी पाप है, पता है ना तुझे? अरे यही तो समस्या है ना माँ, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ ना वैसे कोई नहीं सोचता। मैं भी कहा पत्थर पे सर फोड़ रही हूँ, बस अफसोस एक ही बात का है, आज अगर तेरा भाई सैम जिंदा होता तो उस गोपाल की क्या हिम्मत होती कि वो मेरा हाथ पकड़ता। माँ जो है उसकी कोई इज्जत ही नहीं, जो नहीं है उसके सपने देखती रहती है, वो भी मेरी तरह ही होता अगर इधर होता। ए बकरी, तुझे चर्च के पादरी ढूंढ रहे हैं, जाकर मिल लेना उनसे। तू घर जा, मैं आता। ठीक है। भाई साहब ये सीट महिलाओं के लिए। तो हम किसके लिए हैं? हैं? क्या आप बैठिए ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या बात है, अरे कब से तेरी लैला बुला रही है, बैठा क्यों नहीं बाजू में? ए मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अभी संजान लड़की के पास में बैठ जाता और फिर तुम लोग पूरे गांव में झूठ मूठ की कहानी फैला देते, मेरा और इसका कोई चक्कर चल रहा है। बात करते हैं। ए यहाँ पे कुछ लिखा है क्या कि मैं मूर्ख हूँ? अरे पूरे गांव को मालूम है तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में। चले ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा ना। सुन बे, तू बुरा नहीं माना तो एक बात पूछो क्या? अरे अपना समझ के पूछ रहा हूँ यार, वैसे कहाँ उड़ने का इरादा है तुम दोनों का? ये खाकी पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या है वो क्या है पूछता रहे। तू कंडक्टर है, इंस्पेक्टर नहीं। अबे तुम दोनों ने एक ही जगह की टिकट कटवाई है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अनजान बनता है, बात करता है। अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या है, जहन्नुम में जाओ जहन्नुम में। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, बस में खड़े खड़े हमेशा मुझे उल्टी हो जाती है। प्लीज मुझे खिड़की वाली सीट दे देना, नहीं तो मैं यही कर दूंगा। खिड़की वाली नहीं है, लड़की वाली है, तुझे मैंने पहले ही कहा था ना। अरे क्या आदमी है यार, अब ठीक लग रहा है।
थैंक यू भाभी जी। भाभी जी तू मुझसे उतर, तेरे को दिखाती हूँ। मेरे मुश्किल में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तू थोड़ी देर के लिए इस बकरी को देवर बना लेना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अभी तो इतना डर के बैठ रहे हो, लेकिन जब बाबा का धागा बांध के तुम लौटोगे ना, तब तो बड़ी हिम्मत से मेरे पास ही बैठोगे। मुझे तो पूरा भरोसा है। अब कृपया चलती बस में लड़कों को ना छेड़े। छेड़े नहीं, चलती बस में लड़कों को ना छोड़े। अरे बात उल्टी है या सीधी, सबको पता है। माँ, माँ। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? मारिया का है। कहाँ होगी? कॉलेज में होगी। वो कॉलेज नहीं पहुंची, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा सकती है वो? गांव में सब लोग बातें कर रहे हैं कि वो बकरी के साथ बस में भाग गई। दरिया हो दरिया हो दिया है बाबा ने। मैंने बोला था ना मुझे किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाना है। अगर टाइम पे तू घर पे नहीं पहुंची ना, तेरे भाई तुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। हिम्मत? क्या कहा था तूने? ये धागा बांधने से हिम्मत आ जाएगी ना? हाथ कांप रहा है मेरा। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? तूने बकरी को देखा है? बहुत बार देखा है। ए, तू ज्यादा बोलेगा ना तो यही काट दूंगा। जॉनी का दोस्त है ना, सच बता कहाँ है वो? जॉनी? उसको तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा। तो भाई मारना मत, तो एक बात बोलता हूँ। चल बक। हवा में खबर है कि बकरी और तुम्हारी बहन भाग गए। साले क्या बोला तूने? मेरी बहन के बारे में ऐसी झूठी खबर फैलाई ना तो तेरी दुकान में तुझे टांग दूंगा साले। अबे खबर झूठी है तो जीप लेकर यहाँ वहाँ पागलों की तरह किसको ढूंढ रहे हो तुम लोग? तेरी माँ के लिए दूल्हा ढूंढ रहे। राजा ठाकुर की हत्या के विरोध में जारी हड़ताल में कुछ इलाकों से पथराव तथा हिंसा की खबरें मिली हैं। पथराव से बस में सवार एक लड़की जख्मी हो गई। अरे देखो भाई लोगों, अपना बकरी टीवी पे आ रहा है। उसकी ये हालत देखकर उसके साथ का युवक बेहोश हो गया है। युवक का नाम बकरी बताया जा रहा है। चलो। अरे 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 भाइयों भाइयों, अब तो दुनिया के सामने सच्चाई का भूत ताबूत से बाहर आ गया। अब छिपा के फायदा क्या? अस्पताल जाओ, जॉनी और मारिया का पांव एक दूसरे के हाथ में दे दो। अरे
क्या हुआ दर्जी? संभाल क्या? ए बकरी! अरे रुको, मुझे वापस ले जाओ। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लगता नहीं, सचमुच इधर ही आ रहे हैं। अरे हट यहाँ से। तुम हटो, मेरे तो पाँव हिलना ही बंद हो गए। क्या करूँ मैं? जा घर पे जा। अबे साले, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई? कभी नहीं। हाँ भागता है साले, बता कहाँ थे तुम लोग? पिंटू ये देख यार, कितना मार रहा अकेले को यार। रॉबर्ट लोबो, क्या बोला डॉक्टर ने? जी डॉक्टर ने कहा है दो ही दिन बचे हैं, परिवार वालों को बताना है तो बता दीजिए। अच्छा 22 62। क्या मारा है? छोड़ना नहीं उनको, बिल्कुल केस ठोक देना उन पे। हाँ मेरे बच्चे तो क्या हुआ है ना मारिया जी, ठोक देना एकदम। हाँ केस कर देना, ताकि आपका गोगो आके मेरी बच्ची हुई हड्डियां भी तोड़ दे। अरे मेरे बदन को तो आदत हो गई है उनका मार सहने की, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को मारने की क्या जरूरत थी? लो आ गया मुर्दा ढूंढने, गिधड़ का बच्चा। अफसोस है पीटर के, तुम्हारे बच्चे अभी तक जिंदा है जिन्होंने ऐसा काला घटिया काम किया। भाई मैं भी तो वही कह रहा था। लो आगे, हैं? शैतान की उम्र भी क्या लंबी होती है। आगे माफी मांगी से हरामजादे। जी बोलिए। हम सिर्फ इतना बोलने आए कि वही बोलना जो मैंने बोला है। बोल। मैं बोलता हूँ ना। अबे ओए, आज के बाद ना तुम्हारी ऐसे मिलेगा ना उसके आसपास दिखेगा, और वो हर संडे चर्च जाती है प्रे करने को, तो तेरे को आज के बाद संडे चर्च जाने का ना है। ए भाई ज्यादती है, एक बार मारिया चर्च में प्रेयर कर ले, बाद में तो जा सकता है ना, चर्च हमारे बाप का थोड़ी है, बाद में जा। ठीक है अब तू हफ्ते का अगला प्रोग्राम सुन। सुबह से दोपहर तक मारिया कॉलेज में जाती है, तो दोपहर तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। और हाँ, दोपहर से 4 बजे तक वो कंप्यूटर क्लास जाती है, तो 4 बजे तक तेरे को बाहर नहीं निकलना है, समझा? पेशाब लगी तो बाहर जा सकते है ना, कि वो भी घर के अंदर ही कर ले। ठीक है ठीक है,
मैं 4 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलूंगा। तो अब तू 4 बजे तक घर पे ही रहेगा? ए, तो फिर म्यूजिक सीखने कौन तेरा बाप जाएगा? अरे हाँ, 4 से 6 वो म्यूजिक क्लास जाएगी, तो अब तू 6 बजे तक घर पे ही रहेगा। मतलब तू घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सुबह से शाम ये लोग तुझे निकलने नहीं देंगे और 6 बजे के बाद अंधेरा, इसलिए तू निकलेगा नहीं, मतलब संडे तक तू बाहर निकलेगा ही नहीं। अरे वाह, कमाल की खोपड़ी है तेरी, सब समझ गया ना, इसको भी समझा दे। तू फिक्र मत कर बकरी बेटे, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगर मारिया के दिल में तेरे लिए सच्चा प्यार है तो ये लोग तेरी जिंदगी में कितने भी रोड़े डाले, मारिया तेरे पास ही आएगी। लेकिन अगर अगर वो तेरी माँ जैसी निकली, फिर तो तू कितनी भी जान छिड़क, वो एक ना एक दिन तुझे धोखा देकर किसी भी आयरे गहरे सड़क छाप कुत्ते के पिल्ले के साथ भाग जाएगी। बहनो मारिया, समझा अपने बेटे को। ओ गिधड़, भाग भाग, तेरा काम हो गया, भाग। I'm sorry, he's no more. डॉक्टर साहब, आप खुदा हैं। डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते उसका भी जरा देख लेना। Please, please. Get out from here, you bloody fool. Excuse me, हद थे गए, हद थे गए। मैंने मछली धोकर ब्रिज में रख दी है। ए पीछे। आंटी, ब्रिज नहीं, फ्रिज। अरे हाँ हाँ वही। रसोई भी देखो, लड़की भी देखो, अरे अपने आप को कब देखो। ये बुलबुल आंटी मारिया के साथ क्या कर रही है? लगता है ये बुलबुल पहलवान को पीटर ने मारिया का बॉडीगार्ड बना दिया है। अब बकरी की तो आ बनी। चलो बस आगे। हेलो, तबीयत ठीक नहीं है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा ये काम? वो देखो तुम्हारा राजकुमार, लगता है कलेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहली बार इसके हाथ में समाचार पत्र देख रहा हूँ। जॉनी, जाके पापा की मदद क्यों नहीं करता? अरे माँ, कल के करोड़पति को ये ऐसे गड्ढा खोदने के लिए कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? काम नहीं करेगा तो क्या तेरा बाप बनाएगा तुझे करोड़पति? अरे पापा, वो राज जब मैं आपको बताऊंगा ना तो खुशी से झूम उठोगे आप। जब करोड़पति बनेगा तब बनेगा, अभी काम करने में चींटियां काट रही हैं तुझे। अरे पर पापा, कल जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो क्या बोलेंगे सब गांव वाले? हाँ, ये तो गड्ढा खोदू था, गड्ढा खोदू। चुप, हराम हड्डी, गड्ढा खोदना तो दूर, कभी भूमि में छेद तक किया है तुमने? और ये मत भूल, तेरे बाप ने गड्ढे खोद खोद कर तेरे पेट के गड्ढे भरे हैं। अरे पर मैं क्यों खोदूं? हाँ, ये देखिए, अगर इसमें से एक भी लॉटरी की टिकट लग गई ना तो माला माल हो जाऊंगा मैं। क्या लॉटरी? हाँ। पैसे कहाँ से आए इसके पास? लॉटरी खरीदने के लिए पैसे तुमने दिए? आपकी नहीं, मेरी मारिया ने। भागीदारी है हमारी, जो भी लगेगा। आधा, आधा, क्या कर रहे आप? आधा, क्या कर रहे आप? आधा किया था। अरे आप दुनिया के पहले ऐसे पापा है जो अपने बेटे को करोड़पति बनने से रोक रहे। करोड़पति के बच्चे, मैं ये भूल कर चुका हूँ, आज तक भुगत रहा हूँ। रातों रात किसी का भाग्य नहीं चमकता, और करोड़पति बनने के लिए छोटे रास्ते से काम नहीं चलता। चल निकल यहाँ, निकल। ए भगवान, ये कैसा श्राप दिया तूने मुझे? मेरे सोने जैसे बेटे को मुझसे छीन लिया और इस धरती के बोझ को मेरे सर पर पटक दिया। मैं अभी कुएं में कूद कर अपने प्राण दे देता हूँ। अरे सुनिए, रुकिए, बच जाइए। अरे कुएं में कूदने के लिए कोई छाता लेके जाता है क्या? बेटा मुझे चिंता हो रही है, तेरे पापा अभी तक घर नहीं आए, सुबह कुएं में जाकर मरने की बात कर रहे थे। जॉनी,
टॉर्च लेके कुएं के पास देख कर आ जरा। ए, सुना नहीं तूने? चल जा। जॉनी किसका नाम है? हाँ? अरे घर में तीन तीन शेरनी जैसी औरतें होते हुए एक बेचारा मर्द अंधेरे में क्यों जाए? माँ छोड़ो इसे, हम लोग जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो लिली। अरे अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे रुको, वो हम सबके पापा है ना, हम सब साथ में जाएंगे उन्हें ढूंढने। पहले बता देना चाहिए था ना तुम लोग भी आ रहे हो। रात में अकेले नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी को जाने देना चाहिए। जॉनी चुप बैठो, अब मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। अरे ये तो पापा लग रहे हैं। पापा देखो आपसे मिलने कौन कौन है। ओ जीसस, सारा चल जल्दी से रस्सी लेके आ। हाँ माँ। माँ समझ गई। पापा ना शुरू से ही जबान के पक्के, जो बोला करके दिखा। पापा बस दो मिनट लटके रहो, मैं अभी रस्सी फेंकता हूँ। जॉनी ये लो रस्सी। पापा संभल के। क्या हो रहा है यहाँ? मेरे पापा कुएं में कूद गए, हम उन्हें बाहर निकाल रहे। अबे उल्लू के पट्टे तो फिर मैं कौन हूँ? अरे तू कौन है पता करने के लिए अभी वक्त नहीं है। क्या पापा? माँ तूने बताया नहीं मेरे दो दो पापा है? चुप कर पागल, क्या बक रहा है? अबे मूर्ख तेरा एक ही बाप है, मैं हूँ मैं। अगर एक बाप बाहर है तो अंदर कौन है? अबे अंदर कोई अजनबी है गधे, वो देख दिख रहा है? चल खींच। अबे खींच बेचारा, कब से पता नहीं पड़ा है उधर। चल लगा जोर, शाबाश लगा जोर, थोड़ी मदद तो करो। कभी तो मेहनत का काम कर लिया कर। चल लगा, चल खींच लगा जोर, शाबाश शाबाश। डर डर क्या रहे हो? मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। मैंने इस गांव की तो नहीं लगते हो, कहाँ जा रहे थे और ये कुएं में कैसे गिर गए? पापा फिर से कुएं में गिर के कैसे बताएगा? चुप, तुम कौन हो बेटा, कुछ तो कहो। लगता है गूंगा है बेचारा। गूंगे हो? नाम क्या है तुम्हारा? खाना। खाना? पापा बड़ा अनोखा नाम है। चलो लेकिन एक बात का तो पता चला, तुम गूंगे नहीं हो। हा? अरे खाना, उसे भोजन चाहिए, भूखा है बेचारा। जाओ दाल रोटी ले आओ। चल। इतने गहरे कुएं के अंदर हवा थी? नहीं पापा, वो अकेला था। चुटकुला सुनाने का भी कोई समय होता है? चुटकुला? ओ भाई साहब
खाना हो गया ना, चलो गांव के बाहर छोड़ आता हूँ, चलो। ओ, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको यहीं सोने दो आज रात। पापा ये, अरे भाई बीमार है बेचारा। तू कहाँ जा रहा है? मैं अंदर सोने। नहीं नहीं तू यहीं सो, रात को इसको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अनजान आदमी है, रात को गला वाला दबा दिया तो आपका दूसरा बेटा भी गया। अरे बेचारे को रात को प्यास व्यास लगी तो कुआ है ना अपना, वो सूखा नहीं है, जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा। भैया उठो, सुबह हो गई, रोज ही होती है। अरे भैया सुनो, वो जो कल कुएं में गिर गया था ना। फिर से गिर गया क्या? नहीं, पर वो बाहर तुम्हारे टूथब्रश से दांत साफ कर रहा है। हाँ? अरे उसके दांत खराब हो जाएंगे। ए, ये मेरा ब्रश है। हाँ अब नहीं चाहिए मेरे को। अरे लगता है हाथी के खानदान से। स्नान भी खत्म। श्रीमान ये धुला हुआ है। लगता है इसे चलने में अभी भी कष्ट है। एक काम कर, इसे बाजार तक छोड़ा। वहां क्या देख रहे हो? ठीक है, अभी घर में कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। जोनी इसे ले जा चाय की दुकान पे, ले जाके कुछ खिला दे और मेरे खाते में लिखवा देना। इसको वापस मत लाना। जॉनी बेलिंडा, अरे किसी से भी पूछो मेरा नाम, इज्जत के साथ घर पे छोड़ के आएंगे। अरे बच्चा बच्चा मारता जानता है मुझे। हाँ। मुझे बताओ दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? अरे खुश रहने का, जो मैं रहता हूँ इसीलिए पूरा गांव जलता है मुझसे, बकरी बुलाते हैं मुझे। लेकिन मुझे परवाह नहीं है। क्यों पता है? मुझे मालूम है मेरी तकदीर एक दिन मुझे बैठे बैठे करोड़पति बनाने वाली है। तब मैं दिखाऊंगा इन गांव वालों को, सिखाऊंगा इन्हें एक से करोड़ तक की गिनती। डरता नहीं मैं किसी से। मैं जरा जाके आया। कौन है रे तू? कभी देखा नहीं तेरे को यहाँ? भैंस को कभी देखा नहीं क्या? ए, कौन है उधर? बकरी तू? तेरे को तो रात को जुल्लाब दिया था ना कि अंधेरे से पहले तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे इतनी हिम्मत आ गई बकरी में कि छुप छुप कर मारिया को देख रहा तू? नहीं, मैं तो सुसु कर रहा था। क्यों, तेरे घर में करने की जगह नहीं है क्या? अब मैं तुझे कैसा सुसु कराती हूँ, तू देख। मारिया इधर। भैया वो चमगादड़ अंधेरे से पहले ही बाहर आ गया। मुझे घर जाना होगा। ए, इसको खाना दे। और सुन, ये कौन है? क्या पता कोई नया आया लगता है। ए, दो चाय एक बिना शक्कर, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। क्या? मेरा बाप, वो पापा के खाते में लिख दे। अच्छा लिख देगा, ये लिख दे रे, खाते में लिख दे पापा। ए अंकल। Thank you.
पेद्रो भाई दो पराठा एक चाय। पराठा नहीं बचेगा और कुछ बोल। ये कौन है रे? पता नहीं, लगता है पराठे से इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। गोरा भैया तेरी तो क्यों बे? अरे मना किया था ना, घर से निकल कर। साला तो तू है ना? हाँ जी समझ बोलिए, आज ही काटने लगा। शेर बन के घुस जाए। मैं तो गधा हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं मकड़ी हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने मारिया को देखा। क्या बोला? अभी नहीं, सच कह रहा हूँ। मना किया था तुझे घर से निकलने के लिए? देरी से आया, कब शुरू ये फिल्म? ए पिंटू, मार्केट में मारपीट बहुत मजा आ रहा है। कितना टाइम के बाद? विशाले ये ले। ये किंग कॉन्ग कहाँ से मिला? कुएं से। कुएं से? हाँ, रस्सी डाल के निकाला। अबे वो मेंढक है जो कुएं से मिला, सच बोलना। इधर 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 आ यार। अरे तू आ इधर। अरे क्या कर रहे? क्या है? मैं जानता हूँ ये कौन है। कौन? तेरा भाई है ना? हा? है ना? अरे वही जो सालों पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था, क्या नाम था उसका? सैम। सैम भैया है ना? है ना? जो मुझसे नहीं छिपा सकता, सही पहचाना ना मैंने? अरे इसीलिए तो मुफ्त में तेरी जान बचा रहा है, मैं जानता हूँ। है ना? है ना? है ना? तूने ढूंढ लिया तूने बदमाश। अर्ध कमीना नहीं है क्या? मैं जानता था। अरे यार तू बकरी है तो वो शेर है, शेर। मेरी बात सुन, उसको खिला पिला के सांड के जैसा बना के रख, तेरी सुरक्षा करेगा। लॉटरी लग गई तेरी। सही बोल रहा है यार। पिंटू अंकल, क्या हुआ? जोसेफ अंकल मर गए। अरे वाह बेटा, चॉकलेट दूंगा। जोसेफ की साइज का रेडी है ना? ओ ताबूत निकाल जल्दी, फटाफट लेके जा हॉस्पिटल लेके जा। 12 दिन लगा दिया जोसेफ ने मरने में। इतने दिन से रजिस्टर में नाम लिखा था जोसेफ जोसेफ जोसेफ, मरता ही नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? कुछ काम। क्या क्या कहा तुमने?
काम, तुम्हें काम चाहिए, वो भी इस गांव में। ओ भाई साहब, वहाँ बाजार में जो इतने सारे लोग तमाशा देखने खड़े थे ना, वो क्यों खड़े थे? हाँ, क्योंकि वो सब खाली है, कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। फिर खाना? अरे यार, हद करते हो तुम भी। बकरी, ये तेरा बाप बकरी, किसने कहा तुमसे कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है? हाँ, मुझे देखो, मैं कुछ काम करता हूँ फिर भी तीन टाइम जमा के खाता हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसे ही मुफ्त का खाना खाना है तो पूरे गांव में बस एक ही जगह है और वो है मेरा घर। लेकिन वहां रहने के लिए तुम्हें बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं झूठ बोल दूंगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं जो बोलूंगा ना उस पे बस हाँ मैं मुंडी हिलाना। हाँ, उतना तो करोगे ना? तुम क्या सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलते हो? डांबिस। हाँ, क्या बोला? हाँ, क्या डांबिस क्या मतलब? नहीं नहीं, जो भी बोला, देखो देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद यूं ही नहीं करता। हाँ? तो मेरे इस एहसान के बदले में तुम्हें मेरी रखवाली करनी है, रक्षा। एक चींटी भी मुझे काटनी नहीं चाहिए। चींटी? थैंक यू। चलो मैं अपने परिवार का इतिहास बताता हूँ। क्या बाकी है? मैं नहीं मानता। मैं भी मान नहीं रहा था पापा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो पीटर के मुस्टंडे बच्चे मुझे मार रहे थे ना, तब ये अचानक बीच में आया और बोला, ए, किस साले ने मेरे भाई को मारा? आ? आ? ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं था माँ। मैंने पूछा भी उससे, ए, कौन है तू? हाँ, कहाँ का भाई, तू आया क्यों है इस गांव में? तो कहने लगा, जॉनी जॉनी, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं सैम। अरे इतना सा था तू जब तुझे कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाता था। लेकिन तब भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन माँ, जब उसने मुझसे कहा कि जॉनी जॉनी तुझे याद है, बचपन में लीली नदी में गिर गई थी, तब मैंने डुबकी मार के उसे बचाया था, तब साला मैं हिल गया। मैं बोला यही मेरा भाई है। आपको भरोसा नहीं है तो चलो चलो पूछ लो उससे। नहीं नहीं नहीं, चलिए ना, पूछ लीजिए उससे। माँ का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम सब याद है उसे। एक बार आप उसके चेहरे को देखिए। हाँ, मतलब वक्त के साथ इंसान का चेहरा थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन फिर भी गौर से देखिए उसके चेहरे को और याद कीजिए अपने 16 साल के बेटे सैम को। हाँ, उम्र का थोड़ा बहुत फर्क होगा इधर उधर, लेकिन चलिए। नहीं चलिए चलिए ना चलिए। ये क्या कर रहा है? ये आपने कहा था ना एक दिन कि बचपन में आप जब खुदाई करते थे तो मिट्टी के ढेले बनते थे और सैम में उनपे कूद कूद के ढेले तोड़ा करते थे। वो तो ढेला कहाँ है जो ये तातैया तातरिया कर रहा है? ये वो याद आ गया होगा ना उन्हें। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास, आप खुद जाके बात कर लीजिए। चाहिए सालों के बाद क्यों आए? अब मैंने भी यही पूछा, अब क्यों आया है? इतने साल हमारी याद नहीं आई? तो बोला, जॉनी मैं बस कुछ पल अपने माँ बाप के साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। अरे हम उससे पूछ रहे हैं, तू कौन है दाल भात में मुसल चंद? बोलने देना उसको, वो तो खड़ा तांडव कर रहा है। ठीक है पूछ लो आप। बेटा तुम कहो, ये जॉनी सच कह रहा है? बेटा तुम्हें सब कुछ याद है? हमारे सैम हो? हाँ। अरे अगर तुम सैम नहीं हो तो इसे गुंडों से क्यों बचाया? और तुम सच कहो, सच कहो, तुम सैम हो? अरे तुम सैम हो कि नहीं?
तू तेरे कान के पीछे किसी को भी उठा के ले आते हो और कहते हो मेरा बेटा है, गांव वाले क्या सोचेंगे? श्रीमान महापुरुष आप जरा बताएंगे कि आप आकाश से उतरे हैं या धरती से उत्पन्न हुए हैं? अरे मेरे बाप, तुम्हारा नाम 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 क्या है? कल्लो। कल्लो, आपने सुना? इसे याद है हम इसे बचपन में प्यार से क्या बुलाते थे? कल्लू कितना बड़ा हो गया रे, मैंने तुझे खंभे से बांध कर पीटा था, उसका कठोर दंड मुझे मिला, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे पगले, मैं तेरा पिता हूं, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। आइए। मर गया रे। सरेआम सबके सामने उसने आपके बेटों को कुत्तों की तरह मारा और आप जबान सीखे बैठे हो। देखो बेटे, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ओके? ये मारपीट, मुक्काबाजी, लातमलात, ये सब ऐसी चीजें हैं ना, जब हम लोगों को देते हैं ना तो वापस भी लेनी पड़ती है, समझ गए? ये बात तुम्हारे भाई शायद भूल गए होंगे। जीजा जी, मार पड़ी तो ठीक, लेकिन शरीर की जो जगह मारा है, डॉक्टर का कहना है कि इनकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी में खतरा बढ़ सकता है। वो जो नया आदमी आया ना, उससे हम लोगों में बहुत खुन्नस है, खून तो वो भी उसी परिवार का है ना, और वो लड़का साला बचपन से ही बहुत डेंजर था। अरे उसकी तकदीर अच्छी थी कि मैं वहां नहीं था, वरना उसे तो मैं ए, रुक, तू अगर उसके सामने हार गया ना तो हम लोग हमारी पूरी इज्जत हार जाएंगे। वो जो आया ना, उसके पिछवाड़े में दांत है, शैतान है साला, और तुम्हें भी उसके साथ शैतानी ही करनी पड़ेगी। ये आवाज कैसी थी? माँ, जॉनी गिरा होगा हमेशा की तरह किसी चीज से डर के। अरे इतनी रात को तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? हवा, हवा खा रहा हूं, हवा खा रहा हूं। और ये गधा यहाँ क्यों सो रहा है? ये सो नहीं रहा है, बेहोश हो गया होगा। तो उठाओ उसको। जी पापा। चलो अंदर चलो, बाहर सर्दी है, ठंड लग जाएगी। उठो जॉनी, चलो अंदर उठो। सो जाओ। उठो उठो। हाँ माँ, ठीक है ठीक है। अरे तुझे क्या हुआ? वो दीदी बाहर कुछ देख के डर गई। मुझे पता है इस घर में कौन डरता है। तू जमीन पे सो, चटाई बिछा के, अपने बड़े भाई को वहां सोने दे। अरे पापा, चटाई में खटमल है और जमीन पे सोने से मेरी पीठ दुखती है, और वो चूहे भी रात को नाक में पूंछ डालते हैं। ना ना, जो बोला है वो कर। अरे पापा, वो सैम भैया को खुले में सोने की आदत है, 18 साल से पेड़ पे ही तो सोए, कब्रिस्तान में रहते थे ना, उन्होंने ही बताया मुझे। ले सो जा, वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो यहीं सोएगा। पापा ये देख लो। गड्ढा ना खोदने पर मैंने इसे पीटा था और ये घर से भाग गया था। 18 वर्ष पहले कही हुई मेरी बात को आदेश मानकर आज उसे पूरा कर रहा है। सुनो, अब डांटना मत इसको कभी, ये कोई गलती भी कर ले तो भी नहीं। मेरी कितनी प्रार्थनाओं के बाद वो वापस लौटा है। ए, ये गड्ढा क्यों खोद रहा है? यहाँ कोई कुत्ता बिल्ली मर गया क्या?
और फुकट की इतनी मेहनत मत कर, तुझे और खाना देना पड़ेगा। अरे तुझसे तो तला हुआ पापड़ भी नहीं टूटता, वो काम कर रहा है उसमें विघन डाल रहा है। थोड़ा और खोद दिया तो जमीन से पानी निकल आएगा। दो चार फुटी तो गहरा खोदा है कल्लू ने, अभी उसमें खाद गोबर और मिट्टी भर के बराबर कर देंगे। कमीला लेके गांव भर की गाय भैंसों के पीछे भागना पड़ेगा इतना गोबर जमा करने के लिए। हाथ पैर को लकवा मार गया है, लेकिन जिब्वा कैंची की तरह चलती है। तू अपना मुंह बंद रख। लो, पापा ने बोल दिया और लिली मेरा मुंह बंद करने का सामान लेके आ गई। ला, हाथ मत लगाना। हा? ये कल्लू भैया के लिए, तुम्हें चाहिए तो जाओ रसोई घर में। क्या एक चाय। पेड्रो, वो देख, अबू कसाई यहाँ क्यों आया है? वो मालूम नहीं, लेकिन अबू कसाई आया मतलब कोई ना कोई गया। चल के ले ला अबू, चलो। ए पिल्ले, किधर छुपा है तेरा भाई? उसको मिलना है तो घर पे आ। अबे दादा कहाँ है आज तू और तेरा भाई तो गया? ए पोलसन बोर्ड पे लिख कल का स्पेशल सैम और बकरी का सूप। एक राक्षस को जीप पे लाया है, लेकिन एम्बुलेंस में वापस जाना चाहिए। अबे तेरी तो इतना भाड़े का पिल्ला लाके अपने आप को शेर समझता है भैया। वो देख उधर, मैं भी लाया हूँ शहर से खतरनाक गुंडा। तूने मेरे भाइयों को पिटवाया, अब मैं तुझे मार के यहीं दफन कर दूंगा। भैया बचाओ। अच्छा है तूने अपनी कब्र भी खोद के रखी है। भैया बचाओ, केला मत खाओ, बचाओ। अरे भैया केला खत्म होने से पहले मैं खत्म हो जाऊंगा। जल्दी भैया के लिए दूध ले गया। यानी ये वाला भैया याला। जीत तो करता है कि इस गड्ढे में मिट्टी भर दूं, लेकिन तू मेरा होने वाला साला है। अगर तुझे मार दूंगा तो मेरी शादी में भाग भाग के काम कौन करेगा? चल अपने सैंड को ले और निकल। मार से ज्यादा मेरी धमकी से डर गए वो। अरे भट, धमकी से डर गए वो भैया।
साहब। ये बकरी अभी चटनी हो जाता था। भैया को चटनी पसंद है। भैया चल निकल निकल। अरे पोपट, ए, पैसा कौन तेरा बाप देगा क्या? नहीं मेरा भाई देगा, चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, लेना देना क्या है, मोहब्बत बड़ी चीज है, खाइए खाइए। भैया जयराम जी के साहब, चल बैठ चल। जयराम जी के साहब, तेरे बाप के शादी की खबर छपी है क्या? अबे साले, भैया साले, सलाम सलाम साहब, सलाम लैंड सलाम चल पकड़, सलाम साहब सलाम। अर्दी फानो, मेरे को पहचानो, कहां से आया मैं हूं। भैया यहां बैठो, ये चलो फुटक 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 तुम्हारी तो। भैया बैठो ना बैठो। चले पेड्रो, चल इडली सांबर वड़ा सांबर आलू परोड़ा पूरी भाजी बटाटा वड़ा समोसा जलेबी सब पांच पांच प्लेट डबल मस्का मार के दो लीटर दूध के साथ चल। ये बकरी हा? बगल में फोड़ा हुआ है क्या? अबे फोड़ा नहीं, ईंटें फंसा के रखी है तेरे टकले पे फोड़ने के लिए। भैया को बोलो क्या सैंपल दिखाने के लिए? हा? अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था। तो आप तशरीफ रखिए बैठिए ना। अरे सुन नहीं रहे शरीफ लोग, इनको पहले दे दे भैया। भैया जोनी साहब, जोनी साहब, जोनी साहब क्या है बे? मैं आपके घर ही जा रहा था जोनी साहब, ये लो दुकान का किराया 5,000 रुपए। इसमें 800 कम है जोनी साहब। वो क्या है ना, आजकल कड़की चल रही है। कड़की चल रही है तो धंधा क्यों कर रहा है? ताला लगा और चाबी घर पे पहुंचा दे 24 घंटे के अंदर, वरना सैम भैया आके एक नया ताला लगा देंगे, समझा? तेरी भैया कान खोल के सुन लो सब लोग, आज के बाद इस गांव में किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया ना तो 2 मिनट में उड़वा दूंगा। जॉनी अब अकेला नहीं है समझे, उसका भाई उसके साथ है। किसी में हिम्मत जो मुझे हाथ भी लगा सके। अरे माँ का दूध पिया है तो आओ सामने। भैया भैया वो देखो तुम्हारी भाभी। भैया ये मारिया है, बचपन से ही मैं इसके पीछे हूँ और इसके भाई मेरे पीछे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मारिया मेरी हो सकती है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। भैया बेटा इनकी वजह से ही तुम्हारी शादी हुई है, चलो पांव छुओ आशीर्वाद लो। क्या हुआ? फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। अब तो सैम भैया भी हमारी शादी नहीं करा सकते। क्यों? पापा और भैया ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब क्या करें? इसे पहले कि वो मेरी शादी कहीं और करा दे, हम रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। रजिस्टर शादी मारिया, उसमें बहुत खतरा है। अरे अब यही रास्ता है, हम शादी करेंगे और वो भी कल की कल। कल नहीं मारिया, कल कैसे? देखो कुछ बात में गड़बड़ हुई ना, फिर मुझे मत कहना, तैयार है ना तुम कल? मारिया
ऊपर वाला कितना दयालु है, हैं? मैंने चाहा कि सैम भैया मेरे घर पे आके खाना खावे और देखो वो आ गए और खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। जूलिया खाना और ले आना, खत्म हो गया तो पड़ोसियों से ले आना, सैम भैया भूखा नहीं रहना चाहिए। क्यों बे, तू पहले नहीं बता सकता था कि तेरा अकेला भाई 10 आदमी का खाना खा जाता है? देख 10-12 आदमी मरेंगे ना, उसका कॉफिन बेच के मैं पैसे लाऊंगा तब मेरे घर में राशन आएगा। अरे पैसे मैं दे दूंगा यार। दे देगा ना? हाँ। लेकिन बात तो सुनना पिंटो, सैम भैया की ताकत और तेरा दिमाग, इसी के सहारे मैं ये रजिस्टर शादी करने जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा ना? तू फिक्र मत कर रहे, तू कल रजिस्ट्रार की ऑफिस पे वक्त पे पहुंच जाना, मैं मारिया को लेके वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर मारिया के परिवार ने कुछ गड़बड़ करी ना तो सैम भैया काम आना चाहिए, इतना खाना खिलाया, खर्चा किया। बात कर ले, एकदम पक्का कर ले, बात कर ले, बात कर। सैम भैया, आपने मेरा हाथ थामा है, उसी के बलबूते पे मैं ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। वहां अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप संभाल लोगे ना? हाँ? अरे डंडे से मारेंगे कह रहे। चिकन, चिकन। ए सैम भैया को चिकन चाहिए। चिकन? हाँ। अभी अंडे में है, जब बाहर निकल के बड़ा होगा ना तब पका के देंगे। सैम भैया बाकी का घर जाके। हाँ? इसको ले जा अंदर, वरना चिकन समझ के इसको खा जाएगा। जैसी लड़की आ जाती है आपको ऑफिस आना है, पूरे कागजात तैयार है, आपको सिर्फ दस्तखत करना है, ठीक है? कल्लू भैया। हाँ। आप बाजार जा रहे हो? हाँ। मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, कंप्यूटर क्लास के लिए देर हो रही है। हाँ। चलो चलो चलो। सबका हिसाब लेना ठीक से। अब हम तो हमेशा से ही पैसे रोशी क्लिनिक में जाके आया मैं। पिंटू भैया क्या हुआ, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? हाँ वो देखो पीछे। ओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अब मैं बस कैसे पकड़ू पिंटो, कुछ करो। अरे सोचने दो ना, खोपड़ी कुरेदने तो कोई ना कोई आइडिया आएगा। तुम एक काम करो, मैं देखता हूँ फिर तुम्हें बुलाता हूँ। एक रास्ता है, तुम एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सैम भैया, सैम भैया, गाड़ी रोको, रोको। क्या हुआ पिंटू भैया? तुम लोग दोनों कपड़े बदली कर दो फटाफट। हाँ, कपड़े बदल लो। चलो भैया। ओह सतनाम, इतने दिन कहाँ गायब था यार? है? अरे मैं कलकत्ता गया था यार डिलीवरी देने। वो छोड़, तू इस बंदे को कैसे जानता है? कैसे जानता है क्या? वो जॉनी का बड़ा भाई है सैम। क्यों, तू जानता है क्या उसको? हाँ मैंने देखा है उसे यार जेल में। क्या, तू कब गया जेल में? अरे जब मैं दूध की डिलीवरी देने जाता था ना जेल, तब देखा था इसको। लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा था? एक लड़की के खून और बलात्कार के इल्जाम में अंदर था। क्या, बड़ा खतरनाक इंसान है, वहाँ भी सब कांपते थे इससे।
क्या खूनी बलात्कारी? मारिया को उस सैम के साथ बिठा दिया, उसके बाद ही मुझे सैम की असलियत पता चली। और मारिया अब तक यहाँ नहीं पहुंची, क्या हुआ होगा यार? मुझे भी वही फिक्र है। तो चलना ढूंढते हैं। चलो रुक रुक रुक, वो देख सैम भैया की साइकिल। हाँ यार, मारिया क्या हुआ? मारिया पिंटो, आई एम सॉरी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ऊपर से गिर गई। आओ उठो आराम से। चलो चलो, बोल तो रही है, जान बच्ची सो लाखों पाए। देखो इज्जत का तो क्या है, तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या? और ये लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है ना कि वो तुम्हें फिर भी अपना लेगा ना। क्या? अरे इस लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुझे अपना लेगा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मारिया सैम कहाँ है? अरे सैम वो भूखा शिकारी गया होगा एक और शिकार ढूंढने। तू चुप कर यार। मारिया मुझे पूरी बात बता, क्या क्या हुआ? गोगो से बचने के बाद मैं और सैम भैया साइकिल पे जा रहे थे और के बॉस तेरी तो ए, छोड़ो छोड़ो उसे छोड़ो उसे छोड़ो एक हट। मारिया वो सैम को उठा के जो आदमी लेके गया उसे तूने पहले देखा है क्या? नहीं। उसका साइज क्या था, मतलब लंबा था बटला था? ना लंबा था ना बटला था। अरे एक साइज तो बताना पड़ेगा ना, लंबा नाटा छोटा क्या है? दो में से एक तो मरने वाला है ना। अब सैम की साइज का ताबूत तो मेरे पास रेडी है, लेकिन ये दूसरे आदमी का साइज क्या है पता नहीं, फिर ताबूत कैसे बताऊं? यार यहाँ सैम गायब है और तो अपनी दर्जी की दुकान खोल के बैठा है। मैं बताऊं मुझे किस पे शक है? किस पे? गो 100% उसने अपने किराए के टट्टुओं को भेज के सैम को उठा लिया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये हम दोनों चोरी चोरी रजिस्टर शादी कर रहे हैं ना, ये इसका इसके पहलवान भाइयों को पता चल गया होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और ही है। वो आदमी सैम भैया को धोखेबाज कह रहा था। अरे वो जो भी है, चलो फटाफट मेरे स्कूटर पर बैठो। हाँ। रजिस्टर कर शादी करने के लिए। मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे यार ये अभी सोचेगा क्या? सोच रहा है? मैं ये सोच रहा था, सोचता रहे ये बूढ़ी हो जाएगी, चल रजिस्टर कर। रुकने एक मिनट, वही तो रजिस्टर ऑफिस जाने का खतरा मोल लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए शादी टाल देते। देख अगर तेरे बाप ने तेरी जबरदस्ती किसी और से शादी करवाई ना, तो चर्च में तो फादर इससे पूछेंगे ना कि बेटा क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है, तो तभी आई डू के जगह पे नॉट डू बोल देना। अरे चर्च का कानून है ना, जबरदस्ती कोई किसी की शादी करवा ही नहीं सकता। चुप, तुम पे भरोसा करके मैंने इतनी बड़ी गलती की कि मुझे तो चप्पल पड़ने चाहिए। हमेशा अपने रंग बदलते हो, डरपोक कहीं के। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ कि हमेशा तुम्हारे लिए अपने परिवार से लड़ती रही। आज के बाद कभी जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना बकरी। अरे मारिया कम से कम तुम तो मुझे बकरी मत कहो। अरे रोक ले, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके दस्तखत कर ले, लड़कियों को पलटने में देर नहीं लगती। मारिया पलट के जाएगी तो अपने बाप के ही घर ना। पिंटो हमारी इस लड़ाई का सेनापति सैम लापता है यार, और मैं अकेला कोई मोर्चा नहीं संभाल सकता। वो गोगो है ना, बिना नमक के कच्चा चबा जाएगा मेरे को। यार अभी एक ही रास्ता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सैम लापता है।
अगर किसी ने पूछ लिया ना तो हम उनको बता देंगे कि सैम किसी काम से शहर गया हुआ है, लेकिन अपने छोटे भाई की एक पुकार पे सब छोड़ के भागा चला आएगा। यही बताएंगे। ए, तू भी सबको यही बोलना, समझा ना? तेरे मुंह में पंचायत बैठती है, किसी को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बोला ना तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कौन है रे तू साले? जॉनी रे। जास्ती मत बोल वरना तेरे साइज का ताबूत एकदम रेडी है। कहानी मस्त बनाया, लेकिन अगर सैम वापस आ गया तो क्या कहानी बताएगा तू? बोल। उसके हालात इतने पेचीदा है ना कि मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। साइकिल तो कल्लू लेके गया था ना? हाँ। कहाँ है वो? बस में। इसने मुझे साइकिल दी और बस में बैठ के चला गया। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच? अलविदा, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला। मेरा मतलब वो हमें फिर से छोड़ के नहीं जा सकता। अरे हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो। और तू उल्लू की दुम, तू डरा क्यों रहा है अपनी माँ को? अरे पापा वो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। वो गया हमेशा के लिए अपने बीवी बच्चों के पास। क्या बीवी बच्चे? लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वो शादीशुदा है। हमने तो उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली है। अरे माँ, ऐसा बहुत कुछ है जो उसने नहीं कहा है। वो जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। हाँ। चुप कर, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे बोलते हैं? अरे आया बड़ा भाई, भूल जा उसे। सोचो कि वो कभी आया ही नहीं था और ना कभी आएगा। हाँ। वो कौन आ रहा है? अरे वो कोई भी आ रहा हो यार। तेरी छोकरी ठीक है? अरे बलात्कारी, अब किस लड़की का जीवन बर्बाद करने आया? हे देख, मुझे सब पता है, तू एक बलात्कारी और खूनी है कि नहीं? तो जेल में क्या गिल्ली डंडा खेलने गया था? हे देख, मुझे अब तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर रात को तू यहाँ से रवाना नहीं हुआ ना तो कल सुबह मैं तेरी असलियत सबको बता दूंगा, समझा ना? और मेरी माँ है ना, झाड़ू से बहुत बुरी तरह पिटाई करती है, सोच लेना। और अगर तुम फिर भी नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम चले नहीं जाते, सुना के नहीं? कहाँ था बेटे और क्या हुआ तुम्हें? ये गधा तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनसे मिलने गए हो, क्या ये सच है? क्यों रे, तूने क्यों कहा उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं? क्या मुझे ऐसे लगा? निकम्मा तो तू था ही, अब झूठ भी बोलने लगा। अरे पापा, असल में जो झूठ मैंने कहा है मैं उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। कल्लू, तेरे सिर पर ये चोट कैसे लगी? गिर गया। ओह जीसस, जीसस ने मैं मेरे कल्लू को किसकी नजर लग गई? ये जब हमारी भैंस मरी थी तब भी तू इतना नहीं रोई थी। कल्लू को किसकी नजर? पापा पापा, दरअसल ये आपके सामने झिझक रहा है पर ये यहाँ नहीं रह सकता। मतलब ये यहाँ रहना नहीं चाहता, इसी ने मुझसे कहा है। अब पूछ लो इससे, बताओ पापा को एकदम खुल के बताओ कि तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते, कहा था कि नहीं? अरे तूने तो कर, अब अगर झूठ बोला ना तो बीच से चीर के चूल्हे में फेंक दूंगा। बहुत हो गया काम, अब थोड़ा आराम कर ले। देख नालायक, इसे कहते हैं पौरुष, और तो तुझसे कुछ होगा नहीं। एक काम कर, हर रोज सुबह उठकर उसके पांव धोकर वो पानी घटक जा, तब जाकर शायद तेरे भेजे में कुछ अकल आएगी। ए, तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? कल तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, वरना तुझे मालूम नहीं यहाँ क्या क्या होगा। सुना के नहीं?
बेरे रखो इतना और खाना बस। अरे ये बिस्तर गीला कैसे हो गया? तू कहां जा रहा है? बाहर मत सोना, सर्दी लग जाएगी। अरे यहां गीले बिस्तर पर सोने से अच्छा है बाहर सूखे में सोए ना। तो तू जग रहा है? ये घर तो तुम्हारी है। नहीं पापा, वहां लोटे में पानी रखा था ना, उस पे बिल्ली कूदी होगी। बिल्ली के बिल्ला। मैं बाहर सोता हूं। भला टली। हे, कल सुबह 6:30 की पहली बस है, तू चुपचाप बाहर के बाहर निकल जाना, समझा? गया नहीं? हाँ? तेरे को थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? हाँ? गिरे हुए आदमी? गिर जाएगा। अच्छा? ए, तू मेरी चिंता मत कर और चल चल निकल यहाँ से। ये शरीफों का घर है, दो दो जवान बहनें हैं मेरी, और तेरा क्या भरोसा? तू तो माँ को भी पापा! क्या हुआ? नारियल गिरा। लेकिन हमारे यहाँ नारियल का पेड़ है कहाँ? अरे मेरे हाथ में था, छूट के मेरे पैर पे गिरा। खुश, तू सुने, तू मुझे मार के जीत नहीं सकता, समझा ना? बड़े बड़ों की मार खाई है मैंने, आज तो फैसला होके ही रहेगा। या तो तू निकल या गाड़ दे मुझे यहाँ पे। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जब से हमारा कल्लू वापस आया है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आज लिल्ली की शादी पक्की हो गई। क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और लड़का इतना भला है कि पूछो मत। और मैंने तो लेन देन की बात भी पूरी स्पष्ट कर दी। अच्छा? हाँ, पीछे का खेत मैंने लिल्ली के नाम कर दिया, और दाईं ओर का खेत सारा के नाम, और बाईं ओर का खेत जॉनी के नाम। और ये घर? घर तो उसी को मिलना चाहिए जो इसे अच्छी तरह से संभाल सके, इसलिए पूरा घर मैंने कल्लू के नाम कर दिया। अच्छी बात है। ये क्या कर रहे हैं आप, सठिया गए क्या? अपना पूरा घर उस अजनबी के नाम पे कर रहे हैं? अजनबी? वो बड़ा भाई है तेरा और हमारा बेटा। अरे किसने कहा आपसे कि वो आपका बेटा है? अरे तूने ही तो कहा ना। मैंने कहा ना, ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने कहा ना तो ठीक है, जो कुछ भी मैंने कहा वो मैं वापस लेता हूँ, और मैं ही आपसे कहता हूँ कि वो आपका बेटा बेटा नहीं है। नालायक, बाप बेटे के रिश्ते को तूने हड़ताल का नारा समझ रखा है कि आज दिया कल वापस ले लिया? मरिया रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे है, जैसे ही घर कल्लू के नाम करने की बात आई उससे रिश्ते ही तोड़ लिया। जॉनी, तुम अपने सगे भाई से जल रहे हो? अरे माँ पापा, वो कोई बिजली का खंबा नहीं है और ना मैं बिजली का गोला जो उससे जलूं, मैं तो सच्चाई में रोशनी डाल रहा हूँ। पापा पापा, शुरू शुरू में मुझे ऐसे लगा था कि वो मुस्तंडा मेरी रक्षा करेगा, लोगों से मार खाने में मुझे बचाएगा। वो तो पापा, मुझे बाद में जाके पता चला कि वो एक अपराधी है, अपराधी। यहाँ आने से पहले वो एक जेल में था। आपको पता भी है कि उसका अपराध क्या है? कल्लू हमें इसके बारे में सब कुछ पहले ही बता चुका है। लिली, एक गिलास पानी देना। कल्लू ने हमें ये भी बताया कि जीवन में उसने क्या क्या दुख झेले हैं। अपराध किसी और का था और सजा भुगती तुम्हारे भाई ने। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, कल्लू के इस घर में आने के बाद ही हमारे खेत जो उजड़े पड़े थे उसे हरा भरा किया किसने? कल्लू ने। पापा, घर में पैसे आने लगे, तुम्हारी दीदी का ब्याह हो गया, छोटी का रिश्ता तय हो गया। पापा, और कल्लू के इस घर में आने के बाद ही मैं चैन की नींद सो रहा हूँ, और तुम ऐसे फरिश्ते के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, वो बेरुपया एक नंबर का मक्कार है, साला मक्कार। जॉनी, अपने बड़े भाई के बारे में कैसी भाषा बोल रहे हो? वो मेरा भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कान में बम फूटाएगा, सुनाई नहीं दे रहा। अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है
तो उसे हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम है? अरे क्योंकि मेरे प्यारे पापा वो तोते की तरह वही सब कुछ उगल रहा है जो मैंने उसे रटा है। तुम कुछ भी कहो, अगर वो कल्लू नहीं भी है फिर भी हमने उसे बेटा ही माना है और अब वो बदल नहीं सकता। आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते? नहीं नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं पापा नहीं मानते। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए पापा, ध्यान से सुनिए पापा। वो आ रहा है, उसके सामने बकवास मत करो। पापा अगर मैं ये साबित कर दूं कि वो आपका बेटा नहीं है तो आप उसे सही जगह पे लात मार के उसे घर से बाहर निकाल देंगे? उसे नहीं, मैं तुम्हें लात मार कर निकाल दूंगा। ए, ए, रुक रुक, अब तक इन लोगों ने तुझसे जो कुछ भी पूछा तूने उसका सही सही जवाब दिया क्योंकि मैंने तुझे सिखाया था। लेकिन अब अगर तू मेरे माँ बाप की असली औलाद है ना तो तू इस घर को छोड़ने से पहले की एक ऐसी याद बता जो मैंने तुझे ना बताई हो। एक याद जो साबित करे कि तू सैम है। चल चल चल, मैं भी मान लूंगा मैं भी कि तू मेरा बड़ा भाई है। चल बता ना, बता क्या हुआ? बोल बोल, पापा। अरे काय का पापा, किसका पापा? वो मेरा पापा है, तेरा नहीं, समझा ना? ए चुप रह, बोलो बेटा। बरसों पहले यहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था, वो कहाँ है? तुम्हें याद है वो पेड़? मुझे सिर्फ उतना ही याद है। हाँ बेटा, था यहाँ आम का पेड़, ठीक इसी जगह जहां ये घर बना हुआ है। उस पेड़ को काटना पड़ा ये घर बनाने के लिए। उसकी लकड़ी से ही इस घर की छत बनी हुई है। कम अकल, अब बोल किसको निकालूं घर से, तुमको या इसको? अरे यार मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? लिली लिली कम से कम तू तो मेरा विश्वास कर। ये देख, इसने माँ पापा पे कोई काला जादू कर दिया, लेकिन तू इसके पास में भी मत जाना। लिली अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारा सैम भैया नहीं है। अगर सैम भैया अच्छा आदमी नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। अरे मार दो मुझे, मार दो मार दो मार दो, खून कर दो मेरा। इसे क्या हो गया, दौरा तो नहीं पड़ा? हाँ दौरा पड़ा है मुझे, पागल हो गया हूँ मैं। एक बात सुन लो पापा, हम दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। आपको अभी अभी फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो रहेगा या मैं। तू जैसे निकम्मे के लिए एक ऐसे आदमी को नहीं निकाल सकता जो पूरे परिवार की भलाई के लिए दिन रात पसीना बहाता है। वाह पापा वाह, आपको अपने स्वार्थ के लिए एक मुफ्त का बैल मिल गया, तुम्हें बेकार हो गया? नहीं 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 नहीं, तुम्हें बेकार कैसे कोई कह सकता है? ये सब खुशहाली तुम्हारे कारण ही तो आई है। हा? एक ऐसा आदमी जो दिन रात लॉटरी से करोड़पति बनने के सपने देखता हो, जो ऐसी लड़की से प्यार करता हो जो उसे कभी नहीं मिलने वाली, और दिन रात उसके परिवार से पिटता हो, ऐसे महान विभूति को मैं बेकार कैसे कह सकता हूँ? हाँ उसके परिवार वाले मुझे पीटते हैं, हर जिसे मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आपने अगर उस पीटर के पैर को छीना नहीं होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जॉनी, सही कह रहे हो, ये स्त्री तेरी माँ है। अगर मैंने इससे शादी नहीं की होती तो तुझ जैसा बेशरम पैदा नहीं होता। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया उस पर तू ऐसे गंदे आरोप लगा रहा है। निकल जा मेरे घर से। अरे मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ पे, क्या किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं है? एक रास्ते के पत्थर को गले लगा रहे हैं आप और अपने जिगर के टुकड़े को निकाल रहे हैं। जा रहा हूँ मैं। जॉनी, जाने दो इसे मरिया, इस बकरी को कोई घास नहीं डालेगा, शाम तक वापस आ जाएगा। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे बाप ने अकल का काम किया जो तुमको घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? फादर, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि उनकी प्रेम कहानी के वजह से मेरी लव स्टोरी फ्लॉप हो रही है। कैसे, मैं समझा नहीं। फादर, मेरे पापा अगर पीटर के प्यार से शादी नहीं करते तो पीटर उससे शादी करता, फिर मैं पीटर के घर पैदा होता और मारिया मेरी बहन होती, फिर कोई झगड़ा ही नहीं होता ना। तीन टाइम आराम से मैं चिकन बिरयानी खाता और एसी रूम में सोता, लेकिन अब मैं कहाँ सो रहा हूँ, गाय भैंस के तबेले में, गोबर के गंध में। बस इतनी सी सच्चाई मैंने उनको बता दी फादर, तो गुस्सा आ गया, निकाल दिया मुझे घर से और सुनाने लगे मुझे कि तू किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बस पड़ा रहता है। अरे निकल गया मैं भी। मैं उन्हें दिखा दूंगा फादर के बिना काम के भी इंसान कैसे जी सकता है। अच्छा,
अब समझा तुम यहाँ क्यों पधार रहे हो? तुम्हें ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ तुम बिना काम किए मुफ्त में खा पी कर तबीयत से पड़े रहो, नहीं? वाह फादर, आप तो वाकई में ज्ञानी हो। मेरे बिना कहे आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? अरे तुमने मुझे उल्लू समझा है क्या? ये कभी नहीं होगा। लेकिन देखो बेटा, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का हाथ किसी काम चोर निकम्मे बेकार आदमी के हाथ में कभी नहीं देता है। फादर, हाँ, तुमको अगर दो वक्त की रोटी चाहिए और रात को रहने का सहारा चाहिए तो तुम अपने बाप की नौकरी ले लो। हा? चर्च की घंटी बजाना शुरू कर दो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। फादर, अरे मैं तुम्हारा फादर नहीं, चर्च का फादर हूँ। जीसस, वेयर आर यू? अकल दो इसको। फादर की पैंट थोड़ी ढीली है लेकिन जांघिया मस्त फिट हो गया। मेरे कपड़े अगर कल तक नहीं सूखे ना तो फादर बन के रहना पड़ेगा। बकरी का है? साले तू भी बकरी बुलाता है? अरे यार, वो लोग बकरी 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 बोलते हैं, दिमाग में वही घूम रहा है। क्या नाम क्या है तेरा? जॉनी। जॉनी बहुत अच्छा नाम है, यही रख ले। बकवास बंद कर और बता भाग भाग के यहाँ पे क्यों आया? अरे यार, मारिया की शादी हो रही है। क्या? कल ही। और कल सुबह उसको बोलो लेके कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। उसके पहले मारिया चाहती है कि तू उसको आज रात को 12 बजे मिल। रात के 12 बजे? मैं अकेली जान बीच में कब्रिस्तान, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? अरे अकेला नहीं जाएगा तो क्या पूरी बारात लेके महबूबा को मिलने जाएगा? मेरी बात सुन, या तो तू प्यार कर या डर के मर। और सुन, रात को तेरे लिए खास वो अपने घर का पीछे का दरवाजा खुला रखने वाली है। अरे लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास कपड़े नहीं है। रात को 12 बजे कौन देखता है बाबा, नंगा जाना लेकिन जाना। अरे शुक्र है, भेष बदलने के लिए कपड़े तो मिले। बेघर हूं ना मैं आजकल, एक ही जोड़े कपड़े और वो भी धोके सुखाने के लिए डाले, और तुमने ऐसे बुला लिया, अचानक आना तो पड़ेगा ही ना। बताओ क्या बात है? जॉनी, बात हद से बढ़ चुकी है। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करने पे तुले हैं, वो भी इस हफ्ते। क्या? अब तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हारे पास भाग के आ जाऊंगी, और फिर हम चर्च में जाके फादर को कह देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे नहीं रे बाबा, मुझमें ये सब करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है? हाँ। बहुत हिम्मत है, नहीं तो आधी रात को अकेले तुम मेरे घर पे मुझसे मिलने आओगे। हाँ। इसका मतलब है कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कौन है वहाँ? किससे बात कर रही हो? आ गया शैतान कमसाला। कोई नहीं भैया, मैं तो परीक्षा के लिए जोर जोर से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, क्या करूँ? ये तो क्या कर रहा है, दरवाजा नहीं बना सकते थे। छोड़ो, तुम जाओ। सुनो सुनो, जाने से पहले पप्पी दे दो ना। तुम जाओ नहीं तो पप्पी मेरा भाई देगा तुमको। जाओ। कहीं वो चर्च के फादर तो नहीं? लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे, वो भी आपके कमरे में? मैं समझ गई,
गलती मेरी है। पिछली बार अपने कबूली जवाब में मैंने उन्हें अपने दिल की बात खुलकर बता दी थी, पर वो ये मतलब निकालेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। क्या बोल बोल आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसमें शर्म की क्या बात है? मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? मेरे सीने में भी तो दिल है। बस करो और चुप बैठो और ये बात यहीं दबा दो, नहीं तो आपकी वजह से पूरे गांव में हम बदनाम हो जाएंगे, समझी? बदमाश। कैसे हो जाने मन? जाने मन क्या बकवास कर रही हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे लटके झटके नखरे, तुम बीमार हो क्या? देखो माताजी। माताजी? अरे और नहीं तो क्या, मैं चर्च का फादर हूँ, एक साधु हूँ, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ। तुम्हारे तेवर देखकर लगता है मुझे गोगो को बोलना पड़ेगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दे किसी से। क्या बात है फादर, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? अरे मैं गरम नहीं हो रहा हूँ, ये गरम हो रही है तवे की तरह। अरे वाह,
सारा गांव जानता है कि मैं एक मासूम और कुंवारी कन्या हूँ। मुझ जैसी नाजुक कली के दिल के साथ खेल रहा तू? अरे खामोश बदतमीज, एक झापड़ मारूंगा और भूल जाऊंगा कि मैं फादर हूँ कि मदर हूँ। अच्छा, उस दिन रात को 12 बजे मेरे कमरे में चुटकुला सुनाने आया था क्या? अब चार लोगों को पता चल गया तो चला साधु बनने। अरे चुप कर बेशरम येड़ी। ओ फादर, ये आप क्या बोल रहे हो? आप भूल गए क्या पादरी हो? पादरी ये सब बोलते हैं क्या? और आप इतने आग बगुला क्या कर रहे हो? इस फादर की पोल जो खुल गया इसलिए। लेकिन हमने तो फादर के बारे में कभी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। अरे झूठ बोल रही है बकवास औरत। अच्छा बकवास औरत है? दिन में बकवास औरत और रात में खास औरत। रात में? सुनो रे गांव वालों, क्या कर रही है? गोगो ने भी देखा और हमारे घर वालों ने भी देखा इसे मेरे कमरे से भागते हुए। बुलाओ उन सबको और पूछो उनसे। यार फादर को कोई और नहीं मिली? क्या बात कर रहा है यार, किसी और के साथ होती तो तुम माफ कर देता। बिल्कुल नहीं। देखो भाई, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ईश्वर गवाह है, जब से मैं पादरी बना हूँ तब से आज तक कभी भी ईश्वर के राह से नहीं भटका। मेरी बात का यकीन कीजिए। ओ फादर, अब कुछ नहीं हो सकता है, तीर कमान से निकल चुका है। मगर मैंने आप किया... इसी वक्त अपना चोगा उतार कर अपना इस्तीफा समिति को दे दो। अरे फादर ने कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करना है हम तय करेंगे। सच बोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और सच बात तो यह है कि उस दिन फादर के कपड़े पहनकर पीटर के घर मैं गया था। क्या जोली तुम? मैं मारिया से मिलने गया था। प्रेज द लॉर्ड। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये देख साला इधर पड़ा है। अबे हराम खोर। अरे तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या मुझे मारने के अलावा? कंटाल नहीं आता, रोज रोज मुझे मारते हो। कैसी मोटी चमड़ी है। आधी रात को शरीफों के घर में घुसता है, तेरी इतनी हिम्मत? बस साले तेरे बकरा है क्या? आएगा बोल मारा उसको, छोड़ना नहीं साले को। ये ले। कल्लू, क्या तुम मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी मदद की। तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये लोग मुझे मारने आए ना, मारने दो मुझे। मार 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 साले, मार ना मार। अरे तू खड़ा क्यों है? मार, आज जब तक मुझे मारोगे नहीं ना छोड़ूंगा नहीं। मार मार। अरे तू क्यों रुक गया? मार ना मार। अबे तू पागल हो गया क्या? अब पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया तुम्हारी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बंद करो ये खून खराब है ईश्वर के नाम पे। चलो यहाँ से, हटो यहाँ से। चल तू इधर चल, इधर चल। क्या कर रहा है? इसकी वजह से हमारे घर की शांति चली गई। इसको समझाओ वरना ये खून खराबा चलता रहेगा। चलने देना, तेरी तो ऐसी तेजी। अरे बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। मैं वादा करता हूँ हम सब मिलकर ये मामला सुलझा देंगे। अब जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से। भाइयों, जॉनी और मारिया की प्रेम कहानी सारे गांव की नाक का जुकाम बन चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इसका सही इलाज ढूंढा जाए। क्योंकि जॉनी चर्च में ही काम करता है तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मिलकर इसका शांतिपूर्ण हल निकालें। फादर, हाँ फादर, ये जॉनी पूरे गांव के लिए पनौती है। इसने इसने बकरी बनकर सबको बेवकूफ बनाया। सारा गांव इसे मार मार के बेशर्म हो गया, लेकिन फिर भी इसमें एक पैसे की भी शर्म नहीं है। पर अब ये मेरी मासूम बेटी को अपनी जाल में फंसाना चाहता है। मैं बता देता हूँ फादर, अब की बार इसे नहीं रोका गया तो मेरी बेटी को तबाह कर देगा। मैं बता देता हूँ पीटर सर, जब तक मछली खुद ब खुद कांटे के नजदीक ना आए, कांटा मछली तो क्या एक मच्छर भी नहीं मार सकता। प्यार का खेल अकेले नहीं खेला जाता। इतनी तकलीफ हो रही है तो दोनों की शादी करा दो, तकलीफ खत्म। चुप है, हम लोग यहाँ पे इसकी शादी की तारीख पक्की करने नहीं आए। इस पनौती से कैसे पीछा छुड़ाए ये देखने आए, वरना इसे मार के मैं जेल चला जाऊंगा। अगर तुम इसे मार दोगे तो क्या तुम्हारी बहन जिंदा रह पाएगी? और मारिया की शादी किसी और से जबरदस्ती करा भी दोगे तो क्या वो खुश रह पाएगी? अबे ओए मोटे चुप है। अरे भाई शांति शांति, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या फादर बैठ जाओ? क्या आपने हमें यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया है? जीजा जी,
मैं तो कह रहा हूँ कि पुरानी दुश्मनी छोड़ दो और दोनों की शादी करा दो। ये मैं नहीं, पूरा गांव कह रहा है। क्यों गांव वालों? पूरा गांव कह रहा है पीटर। तू मेरा साला है कि पूरे गांव का साला है? अरे पीटर सर, हाँ बोल दो, मारिया और बकरी की शादी करवा दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं फादर और चर्च के सामने ऐलान करता हूँ कि जॉनी और मारिया का मैरिज मैं करवा के रहूंगा। ठीक है। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि क्रिसमस के पहले जॉनी को इस चर्च के लिए एक सोने का क्रॉस लाके देना पड़ेगा। फादर, मैं... चलो बड़ा भूल जाओ, लेकिन एक छोटा छोटा क्रॉस लेकर बाद में मेरी बेटी को लेकर जाओ। हा? बड़ा कमीना है। क्यों, अब ताली नहीं बजाओगे? चलो मैं ही ताली बजा देता हूं। अरे ये बेचारा अपने गले में एक प्लास्टिक का क्रॉस नहीं ला सका, सोने का कहां से लाएगा? आप बोल दो ना पीटर सर के आपके पेट में पाप है, आप इसकी और मारिया की शादी नहीं करवाना चाहते। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो। एनीवे मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है कि मैं गांव में किसी से भी एक भी रुपये की मदद लिए बगैर अपने चर्च के लिए सोने का क्रॉस बनाऊंगा मैं खुद। अरे बंद करो ये ताली, बिना सोचे समझे हर बात पे ताली ताली ताली। मगर एक शर्त लो कि बदले में जॉनी को मारिया के अलावा किसी और लड़की से शादी करनी हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तुझे शादी तो किसी न किसी लड़की से ही करनी है ना, फिर मारिया ना हो तो मुन्नी हो, चमेली हो, शीला हो, क्या फर्क पड़ता है? ओ पीटर सर, सोने का क्रॉस चढ़ाओगे ना बाद में अपनी बात से पलटी तो नहीं मारोगे? अरे भाई मेरे मुंह से निकला वो पत्थर की लकीर, क्या बोलते हो गांव वालों? हाँ हाँ, हमें आपकी जबान पर पूरा भरोसा है। भाइयों, अब हम सोने के क्रॉस की खातिर अपनी जॉनी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे किसी और लड़की के साथ। क्या बोल रहे थे? खबरदार, जो फिर किसी ने ताली बजाई। अगर ये मुश्किल इतनी आसानी से हल हो जाती है तो तू किसी और लड़की से शादी कर ले। क्यों? अरे जोनी, गांव में 500 लड़कियां हैं, तू खाली आवाज कर। अरे पहुंचो, स्त्री वाला है ना, उसकी बेटी रीटा रेडी है, तैयार है, तो तू कर लेना शादी। बेटा, तेरे इस बलिदान की वजह से चर्च को सोने का क्रॉस मिल रहा है, तेरा नाम तो इतिहास में अमर हो जाएगा। आज से 100 साल के बाद लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम सेंट बन जाओगे, जॉनी दी सेंट। तुम्हारी फोटो के आगे लोग कैंडल जलाएंगे। अरे तुम सबने कहा कि तुम लोग मेरे साथ हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया। अरे जॉनी भाई, हम सब तेरे साथ ही है, इसीलिए तो हम सब मिलके तेरे लिए मारिया से भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे। क्यों भाई हो? फादर, अगले क्रिसमस आपके चर्च में सोने का क्रॉस होगा, सोने का। वही मटके के पास। क्या हुआ? भैया वो धूल चली गई। आंखें खोल, एक हाथ हाथ नीचे कर, एक मिनट। नहीं खुल रही। एक 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 सेकंड। आखिर ये शिकारी अपनी जात पे आ ही गया, आज नहीं छोड़ूंगा। अरे अब रोने से क्या फायदा, कितनी बार समझाया मैंने कि इस दरिंदे को घर में मत रखो, लेकिन नहीं, अब भुगतो। ए, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे मैं अगर अभी यहाँ वक्त पे नहीं आता ना तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये कमीना है ना, लिली के साथ कुछ गलत करने जा रहा था। जॉनी, मेरी आंखों में धूल चली गई थी और कल्लू भैया मेरे। यही तो काम है इस कमीने का, लोगों की आंखों में धूल झोंकना। ए छिछोरे, यहाँ क्यों आया, अंगार लगाने? हाँ, लगा दूंगा मैं अंगार, जब तक ये वैशी दरिंदा यहाँ पे है ना मैं चुप नहीं बैठने वाला। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। अरे दिमाग तो आप सबका सटक गया है, जो ऐसे जंगली जानवर को 3-3 टाइम खाना देके पाल रहे हो आप लोग। देखो पापा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने इसे क्रिसमस से पहले धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा इस घर को।
और खुद भी चल जाऊंगा उसमें। और ये धमकी नहीं है मेरी, वादा है मेरा, मैं सब कुछ चला के राख कर दूंगा। बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे भी जला दे बेटा, घर के साथ मुझे भी जला दे। मैंने नहीं किया, मैं अपना घर क्यों जलाऊं? मुझे अंदर जाने दे। आखिर तूने जो बड़ा मुंह करके दिखाया, अरे इससे अच्छा होता कि तू पैदा होती ही मर जाता। पापा मेरे लिए सुनिए ना, सुनिए। आग बुझाओ, मेरा घर जल रहा है। क्या लगता है? वो अभी भी गहरे सदमे में है, लगता है डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया है नींद का। हो जाए बस ठीक। पापा कुछ नहीं हुआ आपको? पापा पानी डालो, कुछ नहीं हुआ, पानी डालो। माँ अब यहाँ क्यों आया है? इस जगह को भी आग लगा देगा क्या? माँ कम से कम तू तो मेरा विश्वास कर। मैं मानता हूँ मैं डरपोक हूँ, आलसी हूँ, निकम्मा हूँ, पर मैं कमीना नहीं हूँ माँ। अगर तुम लोग मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं जान दे दूंगा अपनी, मैं मार दूंगा अपने आप को। देर मत कर, जो करना है जल्दी कर। हमारे लिए तो तू पहले ही मर चुका है, अब अपने लिए खुद को खत्म कर ले। अच्छा होता उस घर के साथ हमें भी जला देता। निकल जा यहाँ से, तेरी सूरत से भी नफरत है हम सबको। Thank you.
पापा, सारा और लिली, आप सब की खुशी के लिए, इस गांव की भलाई के लिए और चर्च को सोने का नया क्रॉस मिल जाए इसीलिए इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं और पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं कि मेरी मौत के लिए किसी को दोषी न माना जाए। जॉनी बेलिंडा। घर खाली करने के लिए मुझे आग लगानी पड़ी। तुम्हारे बार बार कहने पर भी यहां से मैं नहीं गया। इसने मुझे रोका था। अब चला जाऊंगा। लेकिन ये यहां आया कैसे? कुछ साल पहले हमने चर्च से चुराया था। लोगों को पता चला, उन्होंने हमारा पीछा किया, हम अलग हो गए। मेरे पास क्रॉस था, यहां आम का पेड़ था, उसके नीचे मैंने गाड़ दिया। उस दिन तो मैं बच निकला, लेकिन कुछ दिनों के बाद खून के इल्जाम में जेल गया। जेल से छूटा, वापस आया क्रॉस के लिए, कुएं में गिरा। बाहर आया तो देखा पेड़ की जगह घर बन गया था। इसे लगा मैंने इससे बेईमानी की है, मुझे मारने के लिए यहां आया, लेकिन अभी तो उसे
हट जाओ तुम लोग मेरे रास्ते से, ये क्रॉस मेरा है, मेरा। अपन को खाली इस क्रॉस का पता लगाने का था, इसलिए आज तक तेरे को नहीं मारा, समझा? और तेरी जाने मन का अपन ने रेप किया, फिर मर्डर किया और इल्जाम तेरे सर पर डाल दिया, पूछ काय को। ताकि तू अंदर हो जाए और ये क्रॉस मेरा हो जाए। और साले, तू जब जेल में था तब तुझे कितनी बार पूछा किधर छुपाया क्रॉस, पर तू शाड़ा चुप बैठा। कमीने, अब तुझे हमेशा के लिए चुप कर दूंगा भाई। क्रॉस तुम्हारा नहीं है, क्रॉस वापस दे दो। सही जगह पहुंचा है तू, यही तेरी पापों की शिक्षा है। रची भेर, क्रॉस तूने मुझे दे दिया तो मैं रस्सी खोल के तुझे यही मरने के लिए छोड़ दूंगा। अरे अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ वक्त के लिए मैंने भी तुझे अपना भाई माना था और तूने भी मेरी रक्षा की है एक भाई की तरह। बस इसी उपकार का बदला चुका रहा, वो क्रॉस दे दे मुझे, ला दे। Kiss.
नहीं, ये चर्च का है। जीसस को तो लकड़ी के क्रॉस पे चढ़ाया था ना, चर्च को सोने का क्रॉस काहे को चाहिए? ला नहीं, ये चर्च का है, बोला ना। नहीं, 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 नहीं बोला। जा जा लेके जा, पर याद रख, जिस परिवार ने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, जिसने अपना निवाला तुझे दिया, उसी परिवार को सड़क पे लाके जा रहा है तू। अरे क्रॉस बेच के करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तुझे, लेकिन वो प्यार वो ममता जो इस परिवार ने दिया है ना, वो खरीद के भी नहीं मिलेगी तुझे। जा साले, चाट ले उस दौलत को, पर याद रख, इस परिवार का श्राप हमेशा तेरे सर पे रहेगा। कभी शांति नहीं मिलेगी तुझे, कभी नहीं। मिला कहां से, कब, क्यों, कहां, ये जानने की किसी को जरूरत नहीं है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें हमारा क्रॉस वापस मिल गया है, और हमारे गांव के ऊपर जो श्राप था वो अब हट चुका है। सही बात है मिस्टर पीटर गोंजाल्वेस, याद है ना आपने क्या कहा था, कि अगर मैं ये सोने का क्रॉस लेके आता हूँ तो आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। हाँ, कहा था, हाँ, कहा था। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, मुझे तो याद है और मैं तो तैयार भी हूँ, लेकिन गाँव वालों से पूछो क्या वो चाहेंगे कि मैं मेरी बेटी ऐसे आदमी के साथ भेजूं जिससे चर्च का क्रॉस चोरी किया हो। किसने कहा कि ये क्रॉस मैंने चोरी किया है? तो अगर तुमने चोरी नहीं किया तो क्या आसमान से टपका कि जमीन फाड़ के निकला ये? अरे अब, वो चोर जिसने इस क्रॉस को चुराया उसी ने हमारे घर को भी जलाया, क्योंकि इस क्रॉस को चुराने के बाद उसने इसे हमारे घर के नीचे छुपा दिया था, और अब जब वो दोबारा इसे चोरी करने आया तो पकड़ा गया। बकरी बेटे, ऐसी दादी माँ की कहानियां है ना, अपने बच्चों को सुनाना, समझ गए? भाइयों मेरी बात मानो, यही है असली चोर। नहीं, बुलाओ पुलिस को। अरे भाइयों मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलो मान लेते कि भाई ये चोर नहीं है, तो कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? बोल बकरी बेटे, बोल। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जॉनी बेटा, कहाँ है चोर? मैं यहाँ हूँ। कहाँ? सैम भैया। सैम, तुमने चोरी किया था ये क्रॉस? नहीं, सैम भैया चोर नहीं है, बल्कि इनकी वजह से तो चोर पकड़ा गया। अब ये सुनो भाई, ये चोर नहीं है, तू चोर नहीं है, तो कौन, मैं चोर हूँ? मैं चोर हूँ? अरे बताओ सबको कि जो चोर पकड़ा गया वो कहाँ है, बोलो। सैम भैया बताइए कहाँ है वो, बताइए ना कहाँ है वो। झूठ क्यों बोला?
क्योंकि किसी भी इंसान को एक ही गुनाह की सजा दो बार नहीं मिलनी चाहिए। जो गुनाह उसने किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो, अब उसे सजा मिलने दो। यूं समझ लो कि इस पवित्र क्रॉस को चुराने की सजा आपको मिल गई। सैम भैया, मैं सैम नहीं हूं, मेरा नाम मत बताओ, मत बताओ। मेरे लिए तुम सैम भैया हो और वही रहोगे। तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो सैम भैया। अब अगर तुम जाना भी चाहो ना तो भी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। बहुत हो गया पीटर सर, अभी क्या, अभी जवाब दो। आप अपनी बेटी मारिया का हाथ जॉनी के हाथ में दोगे या नहीं? अगर मैं कहूं कि नहीं दूंगा तो फिर हम सब मारिया को उठा के जॉनी के घर पे छोड़ आएंगे। मान जाओ ना जीजा जी। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं होने दोगे? नहीं होने दूंगा। होने नहीं दोगे? अरे नहीं होने दूंगा। और अगर ये मेरी बेटी है तो सिर्फ वही करेगी जो मैं कहूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है क्या?